तो यार मेरे भाई लोग, मैं फिर से आ चुका हूँ और एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके वापस। और इस वाले मैच पे मैं आता हूँ फैक्ट्री। मुझे लग रहा था कि फैक्ट्री में बहुत सारे बंदे आएंगे, लेकिन क्योंकि फ्लैट रूट इसके ऊपर से गया था, लेकिन यहाँ पर एक ही डुओ आता है। अब देखना उस डुओ को भी भाई कैसे निपटाएंगे। और ये गेम प्ले मैं खेल रहा था अपना सब्सक्राइबर भाई के साथ। आप भी अगर मेरे साथ खेलना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर मेरा आईडी है। और अपना इन गेम नेम मुझे कमेंट में जाके बता देना, मैं आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। अब देखो यहाँ पर दो ही बंदे आते हैं। अब मैं जब नीचे एक बंदा मुझे स्पॉट हो गया तो मैं तो पहले से यहाँ पर एक नेट का पिन खींच के रखता हूँ कि ये बंदा ऊपर लूट करने आएगा तो नेट से फट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा नेट बहुत ही कम काम आता है यार, आप लोगों को तो पता ही है मेरा नेट कति सस्ता होता है ऑलवेज। अब देखो मेरा टीममेट एक को नॉक कर देता है। मुझे पहले लग रहा था कि ये बंदे लोग ऊपर है, जब देखा कि भाई नीचे है तो मैं अपने टीममेट को सपोर्ट देने जाता हूँ। भाई अब नए टीममेट है, मैं क्यों नहीं सपोर्ट दूंगा उसे। अब देखो मेरा टीममेट तो एक को निपटा देता है और मैं भी पीछे से जाके इसको निपटा देता हूँ। और यहाँ पर मेरा भी एक किल हो चुका था, मेरा टीममेट का भी एक किल हो चुका था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक ही डुओ आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सामने और एक डुओ के साथ हमारा फाइट हो जाता है। देखना भाई उन डुओ को भी कैसे निपटाएंगे। अब देखो भाई आपको भी एक टिप है, अगर आप फैक्ट्री लूट के इस वाले साइड आते हो ना, कभी मत सोचना कि यहाँ पर कोई बंदे नहीं होते सोलो पे खास करके। तो इतना कैंपर मिलते हैं ना यहाँ पर, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, लेकिन जैसे ही निकलता हूँ थोड़ा एक बंदा एक ऑटो स्प्रे तगड़ा वाला मारता है और मेरा पेटी बना कर चला जाता है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर देख देख के गया था यहाँ पर बंदे ना हो, लेकिन भाई पहले नज़र पे भाई मुझे यहाँ पर कोई बंदा स्पॉट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर जैसे आता हूँ एक बंदा मेरे ऊपर पुश कर देता है अंधा, और इस बंदे को तो भाई मैं पूरा ही निपटाता हूँ और पूरा भी फिनिश ही करता हूँ, क्योंकि भाई किल का लालच होता है और कंटेंट भी बनाना होता है तो पूरा फिनिश करना पड़ेगा। अब देखो मैं इसका सेकंड टीममेट को ही ढूंढ रहा था। अब देखो वो टीममेट कहाँ मिलता है, देखो हम दोनों होते हैं नीचे, लेकिन इस भाई साहब को देखो ये नेट कर रहा था ऊपर। इसको मैं अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, मैंने इसको हल्के में ले लिया। अब देखना ये बंदा मुझे कैसे नॉक करता है। अब भाई आपको भी टिप है, अगर आप कोई बंदे को मतलब बहुत डैमेज दे देते हो, लेकिन क्या बोल रहा हूँ यार, बहुत डैमेज दे देते हो, लेकिन भाई उसको कभी हल्के में मत लेना। मैं जैसे इसको हल्के में ले रहा था, सोच रहा था कि भाई एक दो गोली मारूंगा ये मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा यही मुझे नॉक कर देता। यहाँ पर मेरा टीममेट नहीं होता तो ये गेम मेरा ख़राब हो जाता। अब देखो मैं इधर उधर बंदे के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी मुझे एक बंदा पीछे से भाई UMP से डैमेज देने का ट्राई करता है, लेकिन उसका एक भी बुलेट नहीं लगता। और ये भाई साहब को देखो यार, मतलब किधर देख रहे हो, तुम्हारे पीछे दो बंदा गाड़ी लेके पुश कर चुका, लेकिन सामने मारने में भाई साहब बिजी थे। क्या कर सकते हैं, बिना हेडफोन के अगर खेलोगे तो ऐसा ही होता है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही है ना भाई, मैं भी बिना हेडफोन के खेलता हूँ। अब ये देखना ये बॉड लोग भाई कितने परेशान। अब देखो अभी आपको देखने को मिलेगा भाई बॉट का लालच भी भाई खतरनाक होता है। यहाँ पर मैं बॉट मारने के लिए गया था कि सोच रहा था कि भाई और एक बॉट मार दूंगा फ्री का और एक किल मिल जाएगा, लेकिन भाई ये लालच बुरी वाला है, मुझे एक बंदा नॉक कर देता है। मैंने सोचा अब ये लोग पुश करेंगे, लेकिन भाई ने लेट कर दिया। अब ये बॉट भाई ऐसे जा रहा है, भाई बॉट लोग तो नॉक होने के बाद ऐसे थर्ड पार्टी करते हैं, लेकिन ये बॉट अच्छा होता है, मेरे टीममेट को नहीं मारता। देखो यही वो बंदा होता है शायद से, नहीं नहीं ये तो स्कारल वाला बंदा होता है, ये हमारे ऊपर थर्ड पार्टी करने आया था। और इसको जिसकी मैंने अभी अभी नॉक किया था, मैंने चाहा था कि DP 28 पे तो 28 इसका नेम है, लेकिन इस पे आता है भाई 47 बुलेट। तो मैंने सोचा भाई फुल फिनिश करेंगे इसको, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बंदा किधर भाई घास पे, मुझे ठीक से स्पॉट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा नहीं भाई एमओ वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ एमओ नहीं था। अब देखो तभी मुझे ये और एक बंदा यहाँ पर पुश कर देता है, यही होता है शायद से वो M4 वाला बंदा जिसने कि भाई मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था। तो मैंने उसको पीछे से जाके धप्पा कर दिया और उसको भी पेल दिया बड़ी इजी तरीके से। अब देखना इस टावर पे इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नेम ठीक पता नहीं। यहाँ से एक बंदा मेरे टीममेट को बहुत टाइम से टैप टैप करके परेशान कर रहा था, मतलब सिंगल टैप पे बुलेट गन चला रहा था। तो मैंने भी इसको 3-3 DP का शॉट मारा, तो ये बंदा भी कतई लिट था, तो ये और इसका हेड नहीं दिखा था। इसको पता है अगर इसने और हेड दिखा तो इसको और 2-3 मारना है और ये बंदा भी मर जाएगा। तो ये बंदा वहाँ पर चुपचाप बैठा रहता है और अपना सिर भी नहीं दिखाता।
अब देखो जैसे ही जोन आता है तो इसको पता चला कि भाई जोन में भी हमें जाना पड़ेगा, तो इस बंदे को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया जिसका कोई औकात नहीं है, क्योंकि इस गेम पे डीपी का 10 बुलेट से भी इतना भी कुछ खास नहीं होता। वो अलग बात है, इसको मैंने 10 इतना भी कुछ नहीं मारा, 5-6 ऐसा लगा जो कि कुछ नहीं इस गेम पे होने वाला। अब देखो हमारा यहाँ पर हो गया था बग्गी का टायर पंचर, तो जोन भी जाना था, और तभी मुझे ये बंदा स्पॉट होता है जो डासिया लेके हमारे साथ यहाँ पर छेड़ लेने का ट्राई कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा भाई मेरा टीममेट इसे मारेगा, लेकिन मेरा टीममेट बोल रहा था कि भाई रुक जा मुझे भी जोन जाना है। क्यों भाई, मैं तुमको क्यों छोड़ के जाऊँगा, इतना टेंशन क्यों कर रहे हो यार। अब देखो मैं चाहता था इस बंदे को मार सकता था, मैं अपने टीममेट को बोल रहा कि भाई इसे मार, भाई तू क्या कर रहा है यहाँ, क्या कर रहा है भाई बैठे बैठे। तो मेरा टीममेट इसको कथी जब तगड़ा वाला डैमेज दे देता है ना, तब ये बंदा धूम दबा के यहाँ से भागता है। ये समझ गया कि भाई अब मैं मर जाऊँगा, तो ये भाग जाता है यहाँ से। अब देखना भाई इस अपार्टमेंट के पास ही भाई पूरा गेम यहाँ पर जाता है, मतलब एक टाइप से बोल सकते यहाँ पर भसड़ मच जाता है। और तुम्हारा भाई यहाँ पर एक डुओ जिसके पास MK होता है और एक के पास ग्रोजा, उस डुओ को भी भाई कैसे निपटाता है, बस देखना आपको मजा आ जाएगा। अब देखो सामने जो कुछ बंदे फाइट कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे डीपी से टैप टैप करके उनको थोड़ा डैमेज देने का ट्राई कर रहा, तभी मैं देखता हूँ कि मेरे नीचे दो बंदे आ चुके। तो मैं ये बंदा भाई कतई सस्ता बंदा था, थोड़ा भाई नूप टाइप का लग रहा था, क्योंकि ये मैं नेट का पिन खींचने के बाद भी ये बंदा ऐसे ही खड़ा था कि भाई ले भाई मैं मुझे मार ले। तो मैंने इसको पूरा ही डीपी से फिनिश किया। अब इसका जो सेकंड वाला टीममेट, वो भाई भाग जाता है, क्यों पता नहीं भाई अपने टीममेट का बदला क्यों नहीं लेते यार ये लोग। मेरे पास कतई तो यहाँ पर AKM ही है, कोई एस्टोल के MK14 RPG होता तो भाई भाग जाओ, AKM से इतना डर क्यों। अभी देखना मेरे टीममेट को एक बंदा M4 से डैमेज देता है, और भाई ये बोलना ये बॉट था या रियल, क्योंकि मुझे रियल ही लग रहा था, क्योंकि इस बंदे ने देखना मेरे टीममेट को कितना डैमेज दिया M4 से, यही होता है शायद से इसका टीममेट। भाई कतई भाई बॉट वाला आउटफिट पहन के आया था, कभी कभी ऐसे भाई बंदे लोग कन्फ्यूज करके मुझे मार देते। और भाई यही होता है वो MK14 वाला बंदा, जिसको कि मैं डीपी से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ इसका डोर इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि वो डोर के पीछे हो सकता है हील कर रहा है, तो डीपी का 47 बुलेट का फायदा भी भाई उठाना चाहिए। अभी देखना मेरा टीममेट यहाँ पर नॉक हो जाता है, और पूरा ही भाई ये लोग खा जाते हैं, बस देखना टीममेट के साथ यहाँ पर स्कैम हो जाता है बहुत ही बुरा वाला। यहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, यहाँ पर मैं थोड़ा पैनिक भी हो गया था, क्योंकि सामने वाले के पास है भाई MK14 ग्रोजा और मेरे पास ओनली AKM, तो मेरा फट रहा था। और देखना भाई यहाँ पर और एक चीज़ है, मैं MK14 वाले बंदे को निपटा दूंगा, लेकिन भाई यहाँ पर क्या स्कैम होता है बस देखना। अब देखो यहाँ पर क्या सीन हुआ था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहाँ पर दो बंदे थे जिनमें कि भाई एक के पास होता है MK14 द मॉन्स्टर गन, और उसके पास और एक बंदे के पास होता है ग्रोजा द बीस्ट गन, ठीक है। तो उन दोनों को मैं निपटा है, तो और भाई वहाँ पर और एक MK14 वाला बंदा है, और मैं क्या सोच रहा था कि भाई उसके क्रेट से मैं MK14 ले लूँगा और जो बंदे ऊपर लड़ रहे थे उनको जाकर निपटा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, और एक MK14 वाला होता है। भाई मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई यहाँ पर दो MK14 वाले बंदे हैं, और मैं वो बंदे ने भाई मुझे कतई फेल दिया, क्योंकि भाई MK के साथ AKM का कोई फाइट ही नहीं हो सकता, ऑलवेज भाई MK14 ही जीतेगा क्लोज पे। अब देखो ये होता है भाई सेकेंड वाला गेम प्ले, और अरे भाई क्या बोल रहा हूँ यार, जिसमें कि मैं उतरा था स्टेडियम, क्योंकि मैं ऑल पे चैलेंज कर दिए थे कि भाई स्टेडियम आ जाओ फाइट लेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई बंदे आते हैं,
अब देखो स्टेडियम पे तो बहुत सारी फुटस्टेप आ रहे थे लेकिन मुझे कोई एक भी बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था ठीक से। एक दो सेकंड के लिए स्पॉट हो रहा है, बंदे लोग भाग रहे थे। ये होता है भाई वो बंदा जिसको कि मैं पहले स्कारल से डैमेज दिया था। अब ये बंदा मुझे पता है दो शॉटगन के बाद बंदा बहुत ही लीड हो जाता है, और ये तो S686 है, ये भी भाई बहुत खतरनाक है। और इस बंदे को भाई जैसे निपटे मुझे तो एक चीज़ का डर है, सोलो है मतलब भाई थर्ड पार्टी भयंकर वाला होने का चांसेस होता है यार। अब देखो मैं भाई आज सोच रहा था कि S686 और स्कारल यूज करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता, आगे जाके स्कारल एक्सचेंज होने वाला है, एक्सचेंज होके होने वाला है M416। तो यार गाइस वीडियो जिसको भी अच्छा लग रहा है एक लाइक और सब्सक्राइब भाई जरूर करना। मैं मिलता हूँ कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय। और याद से यार सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, एक सब्सक्राइब पे बटन पे एक टैप करना है, लाइक भी कर देना है। और ये गेम प्ले आगे मॉन्टेज करके मैंने दिखाया है।